हाँ मैंने ये लिया है, मैंने ये बैग लिया है। हाँ मैंने भी ले लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और जैसा कि आज है संडे, ये मॉर्निंग से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मतलब नाश्ता हो गया सबका और जो घर के काम रहते हैं ना वो सब मैंने निपटा के और मैं आई मार्केट, क्योंकि क्या होता है ना कि संडे का ही दिन एक मिलता है और हम सबको बेसब्री से इंतज़ार भी रहता है संडे का, और संडे को आराम भी रहता है और जो हाउसवाइफ है या हम लोगों को काम भी बहुत रहता है, क्योंकि मार्केट जाना, सब्जी लाना, जो भी चीज़ें नहीं हैं वो सब चीज़ें ले आना, तो वो सब मैं करने आ गई थी। तो यहाँ पे ना कर्नाटक में उत्सव हो रहा है और यहाँ का ना जो बोलते हैं कि कल्चरल डांस है, यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, जो पहले होते थे वो चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से करा था, तो मैंने थोड़ी सी ना देख ले ली है, तो आप लोग इसको देखिए। गाइस, उसके बाद हम देखने के बाद थोड़ा सा वीडियो बनाया, उसके बाद फिर हम गए मार्केट सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी लेके मैं आई और उसके बाद मुझे कॉस्मेटिक शॉप ही जाना था। थोड़ा सा मैं जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी, और जैसे क्या होता है ना कभी कभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर से जाएंगे जाएंगे पर हम जा नहीं पाते हैं, तो वो सब मैं गई। मैंने सोचा कि संडे का दिन है तो मैं वो सब ले लेती हूँ, तो वो मैंने लिया। और उसके मैं मुझे बाहर भी जाना था तो उसकी भी थोड़ी तैयारी करनी थी, तो जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी या मिल नहीं रही थी तो वो मैंने छोटी मोटी चीज़ें ले ली, और मुझे फेस वॉश लेना था तो वो मैंने लिया। और मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं ना चारकोल का मास्क इस बार लेके गई हूँ, जो पील वाला होता है, तो वो मैंने अप्लाई किया है फेस पे, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा रिजल्ट आया। मुझे तो अच्छा लगा, और आप लोग भी बताना कि कैसा रिजल्ट आता है, आप लोगों ने कभी अप्लाई किया है कि नहीं उसको। मैं तो फर्स्ट टाइम ही अप्लाई की थी उसको, पर अच्छा लगा मुझे। आगे मैं आप लोगों से वीडियो में शेयर करूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई घर पे, मतलब ये 12:30 और 1 के बीच का था, तो मैं और चीज़ें तो करके गई थी लेकिन आज छोटी छोटी चीज़ें नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पर ना सब्ज़ी बनाने लगी और मटर गोभी और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उसी का ना तड़के की तैयारी कर रही थी, और जो क्या बोलते हैं प्याज और लहसुन मैंने ना क्या किया था, क्रश कर दिया था अच्छे से, तो वो रहता है ना तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और मटर देख के ना एकदम मुंह में पानी ही आ जाता है, क्योंकि अभी ठंड का मौसम में ना कितनी चीज़ें मटर की खाने का मन करता है। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा बच्चों के लिए पराठा बना दूँगी। मटर के पराठे पूड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल के बच्चों के लिए बनाया। अब मैं तो नहीं खाई लेकिन हाँ बच्चे खाए। और उसके बाद मैं यहाँ पे राइस तो पहले ही रख दिया था, तो राइस यहाँ पे पलट के इसी में डालूँगी दाल। पहले मैं दाल सोची नहीं बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं दाल बनाना, मतलब आज संडे है तो मैं दाल चावल सब्जी कम से कम 2 तो बनाती ही हूँ, ताकि प्रॉपर बच्चे अच्छे से खाना खा लें। सैटरडे संडे तो पूरा का पूरा खाना दोनों टाइम बनाती हूँ, ताकि वो लोग ना अच्छे से खा लें। तो इस वजह से फिर मैंने पलट के उसको दाल डाल दिया है, और इधर सब्जी बन रही है और ये चावल हो जाएगा, तो मैं नहा के भी आ जाऊँगी। और उसके बाद नहाने का क्या है ना कि आज नहाऊँगी, थोड़ा सा बाल भी धुलना है मुझे, तो वो सब भी मैं धुलूँगी। और यहाँ पे मैं ना आरू, आप मुझे घोस्ट बोल रहे हो, पील मास्क लाई थी, मम्मा को घोस्ट बोल रहे हो, कर रही थी। Now
तो गाइस आज मैं ना चारकोल का ये जो पील मास्क होता है वो मैंने लगाया हुआ है और मैं इसका यूज ना फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। वैसे मैं मास्क ये लगाती हूँ पील का, पर गार्नियर का लगाती थी और ये फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ चारकोल का। देखती हूँ कैसा है, कैसा रिजल्ट इसका मिलता है। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो ट्राई करती हूँ। बोलते हैं कि चारकोल का बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने लगा लिया है, इसको जब रिमूव करूँगी उसके बाद फिर आप लोगों से मिलूँगी। आज संडे था तो मैंने सोचा, काम सब कुछ हो गया था तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ स्किन पे ट्राई करते हैं। तो वो मैंने किया और मेरे ड्रेस का मैच भी कर रहा है मेरा फेस। अब आरू को डरा रही हूँ। डर गई। मार रही है मेरी बेटी, किच्छी दे दो। बोले ओ इट्स अ ब्लैक। चले फिर आप लोगों से रिमूव करके मिलती हूँ। तो गाइज उसके बाद मैंने नहा ली, नहा के मुझे सर धुलना था जैसे कि मैंने बोला था, और मुझे सर धुलना था तो वो मैंने धुला। और मैं जो भी मुझे आज लगाने वगाने थे सब मैंने लगाया, नेल को कट किया, सेट किया और पैर के नेल को रिमूव किया और पैर में भी नेल पेंट लगाया, हाथ में छुड़ा रही हूँ और उसके बाद लगाना है, लगाऊंगी। तो ये सब काम मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जाऊँगी शाम को बाहर। तो जो मैं बाहर जाऊंगी वो ब्लॉग जो मैं बनाऊंगी, शूट करूंगी वीडियोस, वो मैं बाद में मतलब सेपरेट उसको मैं शेयर करूंगी। और ये ब्लॉग ना मैं मतलब फुल डे जो मेरा संडे का है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं। तो ये सब करने के बाद मैं कपड़े पहन के चली गई थी, थोड़ा सा मुझे मेकअप कराना था। तो मैं मेरे अपार्टमेंट में भाभी रहती हैं, आप लोग अक्सर उनको मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, तो उनसे मैं मेकअप करा रही थी। मैं बोली कि भाभी थोड़ा सा मेरा कर दो, मतलब मेरी फ्रेंड ही हैं एज उनको मैं एक्चुअली क्या है ना कि मैं स्टार्टिंग से उनको भाभी बोल दी क्योंकि मेरे हस्बैंड उनके हस्बैंड एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो इस वजह से मुझसे बड़ी भी थी और हम लोग क्या क्या होता ना कि जब फ्रेंड जो रहते हैं तो भाभी ही बोलते हैं, तो मेरी आदत ऐसे पड़ गई है। पर हम लोगों की हैं फ्रेंड ही, हम लोग का ग्रुप में जो रहता है वो उसी उसकी हैं। पर क्या होता है ना कि मुझे नाम लेने में भी थोड़ा सा उनको जैसे मुझे शर्म आती है कि मतलब बड़ी हैं तो कैसे लें, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग कभी लिए नहीं हैं तो इस टाइप से। और दीदी भी कभी आदत नहीं पड़ी तो दीदी भी कहने में अब सोचती हूँ कि अगर अब कहूँगी तो पता नहीं कैसा लगेगा, तो मैं भाभी ही बोलती हूँ। तो मैं उन्हीं से तैयार हो रही थी, तो आप लोग बताइएगा कि वो मेकअप कैसे किए हैं मेरा, अच्छा किए हैं कि नहीं किए हैं। और मुझे तो अच्छा लगा था, तो जैसा भी है जैसे उनको आता है, अभी धीरे धीरे सीख रही हैं तो काफ़ी हद तक अभी अच्छा करने लगी हैं। तो वो करके उसके बाद मैं शाम का चाय वाय जो है बनाऊंगी, घर को ठीक करके फिर मैं जाऊंगी बाहर। और प्रणव और का कल क्या रहता है ना स्कूल रहता है बच्चों का, तो उसकी भी तैयारी मुझे करके जानी पड़ेगी। तो मैं तैयार होने आ गई थी क्योंकि क्या है ना कि 5 बजे तक निकलने को सब बोले थे बाहर जाएंगे, तो 5 बजे से पहले उनको भी रेडी होना होगा, वो भी मेकअप करेंगे। तो मैं बोली कि ठीक है आप मेरा 4 बजे से कर दो और मैं मेकअप तो कोई ख़राब होने वाली चीज़ है नहीं, तो मैं चाय या फिर जो चीज़ें करनी है वो मैं कर लूँगी। तो चाय ब्रेकफास्ट बच्चों को मतलब नाश्ता जो रहता है इवनिंग का वो मैं करके जाऊँगी, और यहाँ पे वो मुझे तैयार कर रही थी और सहन करना पड़ेगा थोड़ा। और फ्रेंड्स ये यहाँ से मैं तैयार होकर जाऊँगी घर पर, और घर पर अभी चाय बनाऊँगी बच्चों के लिए, कुछ नाश्ता दे दूँगी।
खाने के लिए स्नैक्स टाइप से। और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना। और जो इसके आगे का ब्लॉग होगा जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना, वो ब्लॉग मैं आप लोगों से इस ब्लॉग में नहीं शेयर करूँगी, ये जाएगा कल। हाँ मैंने ये लिया है, मैंने एक बैग लिया। हाँ मैंने भी ले लिया। और बैग अच्छा पर्स भी लिया था। अच्छा YouTube पे हाँ मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ ना, घर भी आ जाए। ये देखे उसका घर नया नया अभी एकदम रेडी हो गया है। अच्छा गणपति बापा, ये वॉल बहुत अच्छा, वॉलपेपर बहुत ही अच्छा लगवाया है। किसने पसंद किया, भैया ने कि तुमने? मेरा गणपति पप्पा मौर्या। तो हम लोग जा रहे हैं बाहर और हम लोग रेडी हो गए हैं और लोग आ रही हैं। हम और ये बोलो, हाय हेलो कुछ बोलो। हाय। अरे बाप रे। अब बना लेते हैं वीडियो थोड़ा सा ना। हाँ। चलो वो रील बनाते हैं।